जवानों ने गोला बारूद बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर नाकाम हुई है। नक्सलियों का गोला बारूद बरामद किया गया। करीगुंडम के जंगल से यह बरामद किया गया है। जवानों को देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। तो तस्वीरें आप सुकमा की देख रहे हैं, जहां पर से गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों का गोला बारूद बरामद किया गया। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है ये गोला बारूद साजिश जो है कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। ये नक्सलियों की गोला बारूद बरामद किया गया बड़ी संख्या में। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया जवानों के द्वारा। दरअसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है नक्सलियों के द्वारा लगातार की जा रही है और उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। एक और नाकाम कोशिश यहाँ पर नजर आई, गोला बारूद जो साजिश के तहत रखा गया था नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे बरामद कर लिया गया है जवानों के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक माफ कीजिएगा सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है, बड़ी साजिश नाकाम हुई है नक्सलियों की। जी, आपको बता दूं कि लगातार माओवादियों के खिलाफ में जवानों का ऑपरेशन जारी है और जवानों को सूचना मिली थी कि सुकमा जिले का करीगुंडम इलाका है जो काफी नक्सल प्रवण इलाका है, उस इलाके में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जवान जब उस इलाके में पहुंचे तो जवानों को देख नक्सली वहां से भागने में सफल हुए, लेकिन मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है उसमें भारी मात्रा में ग्रेनेड और मोर्टार बम जैसे हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं। नक्सली निश्चित तौर पर जो है जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भारी मात्रा में वहां पर विस्फोटक सामग्री जो है डंप करके रखे थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश। रायगढ़ में हॉस्पिटल में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है। यहां एक महिला मरीज के साथ रुकी हुई थी, वो टॉयलेट में गई और आत्महत्या कर ली। अस्पताल में महिला के खुदकुशी से हड़कंप मच गया। पुलिस को खबर दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में पुलिस। खबर कोरबा से है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा गर्भवती को भुगतना पड़ा। इस डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगाया जिससे उसके गर्भ में पल रहे 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं महिला की हालत गंभीर है, जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच के आदेश CMHO ने दिए हैं। को जांच करके संयुक्त टीम पुलिस थाने के द्वारा जा करके उनको समझाएं और उनको स्ट्रिक्टली मना करें कि प्रैक्टिस करना गैरकानूनी है, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर संबंधित SDM थानेदार और BMO की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके उसके विरुद्ध स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कलेक्टर सर का भी एक लेटर सभी SDM थानेदार को गया हुआ है कि झोला छाप डॉक्टर विरुद्ध कार्रवाई करना। खबर बलौदाबाजार से है, जहां गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर SDM के नेतृत्व में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसियों पर दबिश दी और इस दौरान स्टॉक मिलान में बड़ी संख्या में गड़बड़ी मिली, जिस पर उक्त एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। पेंड्रा में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह नल और कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। ग्रामीण अंचलों में जगह जगह जल संकट नजर आने लगा है। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पहले ही पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, टॉवर खड़ा कर दिया गया, टैंक्स बैठा दिए गए, लेकिन अब तक इससे लोगों को पानी नहीं मिल पाया। महज एक कनेक्शन को न जोड़ पाने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा।
प्रदेश भर में बढ़ते तापमान के साथ ही हीट स्ट्रोक के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी स्थिति को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने ट्रैफिक जवानों को राहत देने का फैसला लिया है। एसपी ने सभी थानों में पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात जवानों को सुबह 10 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक छाया में रहने के निर्देश दिए गए। देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में हीट वेव की स्थिति देखी जा रही है, लगातार पारा 45-46 के पार पहुंच गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक के जो जवान हैं वो इस तरीके से ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तेज़ धूप होने की वजह से बीते दिनों हमने देखा कि एक ट्रैफिक जवान की जो है वो मौत हो गई थी, तो कहीं ना कहीं जो हीट वेव है वो उसका असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। इस वक्त मैं बिलासपुर के नेहरू चौक में स्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक के जवान हैं वो इस तरीके से ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनको क्या चीज़ आपको निर्देशित किया गया है, चूँकि हीट वेव की स्थिति है, कब तक के ड्यूटी करेंगे? अभी मेरा 9 से 1 बजे तक ड्यूटी है सर, और वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश भी है कि छाया में रह करके ड्यूटी करना है। आप लोग कहीं जाम की स्थिति बनती है उस परिस्थिति में आपको जाम हटाना है, बाकी छाया में खड़े रहना है, धूप में आपको खड़े नहीं होना है। और मतलब हमारे का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा गमछा और चश्मा वितरण किया गया है जी। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में एसपी रजनेश सिंह ने साफ निर्देशित किया है कि हीट वेव की स्थिति चल रही है, ऐसे में जो तमाम यातायात विभाग के जो जवान हैं उनको गमछा रखना है, इसके साथ ही चश्मा लगाना है, कैप दिया गया है। और ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर तेज़ धूप होती है तो वो इस दौरान छाए वाली जगह पे चले जाए, उसके साथ ही 5 से 6 बजे के बाद वो एक बार फिर से ड्यूटी में तैनात हो जाए ताकि यातायात को भी व्यवस्थित किया जाए। तो निश्चित रूप से बिलासपुर एसपी ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, एक राहत देने की कोशिश की है जवानों को जिस तरीके से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ये जो है हीट वेव से बचने के लिए कारगर निर्देश जो है वो इन जवानों को दिया गया है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। राजनांदगांव के घुमका ब्लॉक के कई गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांवों में जल जीवन मिशन योजना का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण अब ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हैं। लगातार 2 से 3 सालों में शिकायत के बाद भी योजना कार्य में गति न आने पर ग्रामीणों ने आज सरपंच के नेतृत्व में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी धूप में पीएचई कार्यालय का घेराव कर योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। गांव में विगत 2.5 साल से पानी टंकी का हो रहा है पर अभी तक वो अधूरा है, बहुत परेशानी हो रही है गांव के लोगों को, अधूरा पड़ा है पूरा रोड वर्क का भी, पूरा पाइप के लिए सब रोड को खुदा खदा करे है उसको भी कंप्लीट नहीं करे है, प्लस 25% बस पानी जा रहा है घर घर में, बाकी 75% पानी नहीं जा रहा है। और इतना गर्मी में लोग भारी परेशान है, हमारे घर में आते हैं, मैं खुद अपने घर से पानी दे रही हूँ, पर स्वाभाविक नहीं कि मैं पूरे गांव को पानी दे सकती, इसीलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इसके आप कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा 20-25 गांव में काम चल रहा है और जहाँ कई बार कई गाँव में देखने मिलता है कि टंकी अधूरा बना है, कई गाँव में देखता है कि चैम्बर नहीं बना है, कई गाँव में आप देखेंगे कि जो सीसी रोड पूर्व में बना था उसके बीचों बीच पाइपलाइन बिछाने के नाम में खोद दिए हैं, वहाँ अभी बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होगा। कई गांव में 25% पानी पहुँच पा रहा है, लाइट जो पाइपलाइन जो लगी हुई है वो लीकेज हो गया है, कई गांव में ये बहुत सारी शिकायतें आ रही है। कवर्धा की बात करेंगे जहां 8 से 10 जून तक बर्ड सर्वे का आयोजन किया जाएगा, बर्ड सर्वे का आयोजन होगा। भोरम देव अभ्यारण में आयोजित होने जा रहे इस सर्वे में पूरे देश से अब तक 166 पक्षी प्रेमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बता दें कि शुल्क जमा करने के बाद ही बर्ड सर्वे में भाग लिया जा सकता है। आज शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख थी जिसमें 40 लोगों ने शुल्क जमा किया। बर्ड सर्वे के लिए आवश्यक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।